कैसी शर्त? तो एक शर्त की बात करती है, तेरे लिए हजार शर्तें पूरी कर दूंगा, तू बस हाँ तो बोल। मुख्तार वो घर मेरे नाम नहीं करता, ना करे, तुम ये घर मेरे नाम कर दो। तुम ही हो जो अपने लिए कुछ कर सकती हो। अमान को भी इसीलिए खतरा है कि तुम डर कर बैठ गई। खड़ी हो जाओ उसके साथ, सर उठा कर फिर देखिए इस मैदान में जंग में जीत किसकी होगी। मेरी जिंदगी का एक ही सच है और वो तुम हो। क्या बात, मेरा बेटा आज बड़ा खुश नजर आ रहा। मेरे बिना कहे कैसे पता चल जाता है? बेटा उसको कहते हैं माँ का। खुश तो शायद मैं सिर्फ तब होऊंगा जब आयदा घर वापस आएगी, लेकिन आज जो हुआ है उसके बाद भी अगर खुदा का शुक्र अदा ना किया तो उसकी जात के साथ भी ना शुक्रिया होगी और आपके साथ भी। क्या हुआ आज? आपने अपनी पूरी जिंदगी मुझ पे वक्फ की, कितनी तकलीफें उठाई आपने। अगर आज मैं इस काबिल हूं ना सिर्फ आपकी वजह से। मेरी प्रमोशन हो गई है अम्मी। तरक्की हो गई है मेरे बेटे की? हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो, शुक्रिया मेरा दिल रखने का। आपका दिल नहीं रखूंगा ना तो मेरे दिल की आरजू भी कभी पूरी नहीं होगी। ये सब आपकी मेहनत है। मेरी मेहनत तो है, लेकिन जिन मुश्किल हालात में तुम ये सब कुछ कर रहे हो ना, ये उसका फल है बेटा। बस अच्छे दिन भी आएंगे। हमारी आयदा आ जाएगी ना। दिल कहता है वो जल्द वापस आ जाएगी। कब आता है कब चला जाता है, अब तो ये भी बताने की जहमत नहीं करता माँ को। मुझे लगा तुम सो गई होगी अम्मा। मरी नहीं थी, सो रही थी, देख सकता था आगे। अम्मा अभी नहीं, बिल्कुल भी ना करना, ऐसी सन बहुत दर्द हो रहा है। शुमाला जैसी से दिल लगाएगा तो इससे भी बुरा हाल होगा।
मैं ऐसी बातें ना कर, ये होने वाली बहू है यार। होने वाली बहू जब आज जिस दिन वो तेरी बीवी बन गई ना, उस दिन हमारा अपना नाम बदल लेगी। चल फिर बता कि क्या नाम रखेगी। सोहरा शकीला, मैं तो कहता हूं जमीला रख ले। बकवास मत कर। क्या हो गया? हमें नाम तो बदलना पड़ेगा तुझे, क्योंकि जिस लड़के से उसने आंख में टक्कर की है ना, उसका नाम है जवाद, तेरा जवाद। ठीक है जवाद, ठीक है बेटे, मैं भी देखती हूँ तेरी जवाद याद बड़ी है या माँ की नजर। मैं देख लेना बेटा, उनको ऐसे अपनी जान में फंसा हुआ है यार, कि ना तो निकल सकेगी और ना ही फड़फड़ा सकेगी। चल जा, जाके सो जा। वाह वाह, सुबह ही सुबह चांद निकल आया हमारे आंगन में। क्यों, अच्छा नहीं लगा? दिल को ठंडक पड़ जाती है। हमेशा के लिए आ जाओ ना यहाँ। ना जाऊंगी। और अगर ना हो सका तो फिर ऐसे ही मिलना पड़ेगा। ये जो तेरी अदाएं है ना, कसम से जान निकाल देती है। बता क्या खिदमत करूं तेरी। खातिम हाजिर है। जो काम फिर सब करने को तैयार है, बस एक शर्त है। कैसी शर्त? तो एक शर्त की बात करती है, मिले हजार शर्तें पूरी कर दूंगा, तो बस हाँ तो बोल। मुख्तार वो घर मेरे नाम नहीं करता ना करे, मेरे नाम कर दो। कैसी शर्त है? तुझे मेरे प्यार पे कोई शक है? हाँ, जब मैं मुख्तार का नाम देती हूँ तो मेरे प्यार पे शक नहीं करता। हाँ वाह वाह वाह, बड़ा प्लान बना के आई है तू। प्लानिंग नहीं, सीधी बात है, अगर प्यार करता है घर भी मेरे नाम कर दे। और अगर ना कर सका तो बस फिर इंतजार करो, जब मुख्तार मेरे घर नाम करेगा तभी कुछ हो पाएगा। बहुत प्यार करता हूँ तेरे से मैं, कर दूंगा ये घर तेरे नाम। आप तो घर मेरे नाम किया और मैंने मुख्तार से कागज पे साइन भी ले लिया। फिलहाल मुख्तार को पेन कागज। समझ हो गया, चलती ऐसे मत कहा कर।
کر کے پھر آؤں گی۔ حساب کی گولیاں، اور میں وہی گولی کھیلوں گا جو سیدھ مختار کو جا کے لگے گی۔ اتنا کچا نہیں ہوں میں۔ ماما، اماں گھر پہ نہیں ہیں۔ کیا مطلب گھر پہ نہیں ہے، یہی کہیں ہوں گی؟ بھی گندے، کہاں چلی گئی؟ ہیلو ہیلو بابا، بابا اما گھر سے غائب ہیں۔ ماما کو فون دو۔ مجھے یہ فون۔ ہیلو، ہاں شمائلہ، کیا ہوا ہے، کہاں ہے اما؟ میں تو میرا خالہ کے یہاں تھی، پتا نہیں وہ کہاں۔ پتا نہیں کا کیا مطلب ہے، کہاں جا سکتی ہیں اما؟ میں ڈھونڈتی ہوں انہیں، تم چیخ کیوں رہے ہو؟ ہیلو ہیلو، فوراً اپنے ابا کے سامنے الٹی کرنی تھی، دو منٹ کوئی پیٹ پہ بات نہیں رہتی تمہاری۔ جاؤ کمرے میں جاؤ، رونا بند کرو اب، جاؤ۔ ایک کے بعد ایک، مجھے تو مجھے امان، دروازہ پوچھ کے کھول۔ جی، کون ہے؟ میں پانی لے کر آیا۔ ٹھیک تو ہے نا رخسانہ؟ جہاں سارا کیا ہو گیا رخسانہ؟ جلدی لاؤ پانی، پانی پی لو تم۔ رخسانہ اٹھ اٹھ، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، شاباش، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ امان وہ میرے مختار کو مار دیں گے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اسی رات وہاں سے نکل پڑی۔ خالہ نے کوئی بات کی؟ نہیں،
रात भर रोती रही, रोते रोते निढाल हो गई। मैंने नींद की गोली देकर सुला दिया, सो रही हूँ। पता नहीं क्या हुआ है। मैं भी ये सोच सोच के परेशान हूँ, इस तरह घर से कैसे आ सकती हैं। बस एक बात कह जा रही हूँ कि अगर उनके घर से कोई आए तो हम उनको ना बताएं कि वो यहाँ पर है। रोई जा रही थी वो तो। मुझे कोई और बात समझ में आ रही है। क्या हुआ? याद है अमान, मैंने तुमको जवाद और शुमाइला के बारे में कुछ बताया था? जी। बस यही बात, तुम्हारी खाला ने मुझे बताया था। क्या हो रहा है ये सब अम्मी? क्या बोला खाला ने? वो तो किसी से भी बात नहीं कर रही थी। छोड़ो ना ये बात, वक्त आने पर मैं सब कुछ बता दूंगी, क्या बोला था, क्यों बोला था। बस दुआ करो जो मैं सोच रही हूँ वो सच ना हो। चलता हूँ। ध्यान से जा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, बगैर पूछे दरवाजा मत खोलिएगा। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें फोन करती रहूंगी। हाँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। रिहाना जी का फोन आया था। हाँ, आप ऊपर चले जाएं। ऊपर? जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अमान? सॉरी, मैं नीचे जाके बैठ जाता हूँ, शायद कोई फंक्शन हो रहा है। नहीं, यहाँ कोई फंक्शन नहीं हो, बल्कि कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एतबार किया अपने अमान पे? अमान पर तो खुद से भी ज्यादा एतबार था, तो शायद अपनी किस्मत पर नहीं था। अब वो भी हो गया, घर चलो। Thank you.
कहाँ जा रहे हो? आयदा को घर ले जा रहा। आयदा अब तुम्हारे साथ घर ही जाएगी। अब ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी। मैंने तो इसको कभी खुद से जुदा नहीं किया। मैंने भी आयदा को यही समझाया और आयदा को समझ में भी आ गया। अब आयदा पहले से ज्यादा बहादुर हो गई है। इसको जिंदगी में बहुत कुछ करना है। और हाँ, आयदा को मैं तुम्हारे साथ अकेला नहीं भेज रही। अल्लाह ताला ने तुम दोनों के बीच एक खुशी भेज दी है। क्या खुशी? अरे भाई, तुम बाबा बनने वाले हो। मुबारक। थैंक यू। ऐसी बातें कर दी, तुम सबके बगैर थोड़ी जी सकती हो। गया था होने को, बुढ़िया भी घर से भाग गई और छोटी ने भी जाके मुख्तार को बताना ही था ना। तुम्हें तो शौक हो रहा था ना मुख्तार को यहाँ बुलाने का। अरे तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? मुख्तार आ भी गया तो ये कहकर बात संभाल लेंगे ना कि वो खुद कहीं गई है। मैं भी इसको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं इसको क्या हो गया, आजकल बात बात पे लड़ रही है मेरे से। तो और मैं क्या करूँ, थक गई हूँ मैं, एक मसला पर दूसरा मसला। शुमाइला छोड़ो ना, बात को हल करने का सोचते हैं। देखो तुम कहो तो मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा आता हूँ। तुमने मोहल्ले में जाकर पता किया? हाँ, मैं मोहल्ले में जाके एक एक घर को पीटू, जब मुझे अच्छी तरह पता है कि वो सफीना खाला के घर पे होंगी। जब पता है तो मालूम तो करो जाकर। अगर मैं वहां जाऊंगी तो मैं पता है मुझे कितनी बातें सुनाएंगी, और मुख्तार जब जाएगा तो पता नहीं क्या क्या बता देंगी उसे। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तो तुम्हें कहती थी कि मुंह उठा के इस तरह। दिमाग को ठंडा करो, बिल्कुल ठंडा कर लो। दिमाग ठिकाने लगाना आता है मुझे। पागल हो गई हो क्या? वो जवाद है जवाद, जानती हो ना क्या हो सकता है? जानती हूँ कि अपनी बीवी को मार चुका है, मैं क्या करूं?
शायद नाराज नहीं थी, नहीं थी मैं। जब मैंने उस दिन आपके पांव छुए तो आपने झटक क्यों किया? शर्मिंदा थी तुमसे, अपने आप से। अम्मा, मैं बहुत बेबस हो गई थी आयदा। जब माँ अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं कर पाती तो वो बस चुप हो जाती। अरे मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई आयदा। और जिस दिन तुमने मेरे पांव छुए थे उससे मुझे अपने आप से नफरत हो गई थी कि तुम जैसी बेटी जिसके लिए माँ कुछ नहीं कर पाई वो माँ के पांव भी क्यों छुए? तो आपने ये सब मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? क्यों तड़पाती रही मुझे अपने लिए? बुरी बहुत कमजोर हूं। अरे मैं तो मां कहलाने के लायक भी नहीं। खुदा का वास्ता है मैं ऐसा ना कर, मेरी मां के लिए ऐसा ना कर। सब बर्बाद हो गया, तुम्हारी बदनामी हुई, मैं कुछ नहीं कर सकी। तुम्हारे अब्बा चले गए, मैं कुछ नहीं कर सकी। तुम्हारा भाई हमें रोज उस घर में जलील करता था। मैं कुछ नहीं कर सकी। जैसे तुम वो घर छोड़कर गई थी ना, मैं बहुत कोशिश थी कि अमान तुम्हें अपना लेगा, लेकिन जब तुम यहां से गई थी खुश नहीं थी। बहुत दुआएं की थी, बहुत सजदे किए कि तुम मिल जाओ। देखो आज मेरी दुआएं कबूल हो गई। आयदा माफ कर दे, अपनी माँ को माफ कर दे बेटा। अगर मैं उस घर में रुकी हुई थी ना तो सिर्फ इसलिए कि शुमाला वाला हिस्सा हड़प बन कर जाए, लेकिन अब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है। क्या हुआ है अम्मा? उस घर में गुनाहों का सैलाब आ गया है, ऐसा सैलाब जो हम सबको बहा के ले जाएगा। जाओ अमान को बुला के लाओ। क्या हुआ खाला? अमान वो मेरे मुख्तार को मार देंगे। ये क्या कह रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपने कानों से सुना और उसी रात वहां से निकल पड़ी। अमान इधर के कागजात है जो आयदा के अब्बा ने मरने से पहले जायदाद को अलग अलग कर दिया था। शमायला ये घर अपने नाम पे करवाना चाहती है। दफा कर, कर दो उसके नाम। ये मुख्तार नहीं सफीना नहीं, बहुत गहरा गड़ा खोदा है जवाद और शुमाइला ने। क्या मतलब? शर्म आती है मुझे, घिन आती है। शुमाइला जवाद के साथ
افسانہ ہو سکتا ہے یہ تمہارا وہم؟ سفینہ تو مجھے اچھی طرح سے جانتی، جب تک میں کسی بات کی تصدیق نہ کر لوں وہ بات اپنی منہ پہ نہیں لاتی۔ میں خود اپنی گناہگار آنکھ اور کانوں سے ان دونوں کو امان عائدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ جواد اور شمائلہ نے مل کر کیا ہے، اور اب شمائلہ وہ گھر اپنے نام پر کرنا چاہتی ہے اور مختار سے طلاق لینا چاہتی ہے، اور اگر طلاق نہیں لی اس نے تو جواد میرے مختار کو مار دے گا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے امان۔ عائدہ ہم کریں گے، ہم ان کا حساب ضرور کریں گے، لیکن اس طرح نہیں۔ امان ٹھیک کہہ رہی ہے عائدہ، بہت گھٹیا ہے، ہمیں عقل کی جنگ لڑنی ہوگی جذبات کی نہیں۔ مزہ آ گیا خدا کی قسم، رزاق جیسا تکا نا کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ کیا بناتا ہے یار، تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنی چپ چپ سی کیوں ہو تم؟ نہ آواز میں وہ کھنکناہٹ نہ کچھ، خیریت تو ہے؟ تمہیں اندازہ ہے کہ اماں کا یہاں سے جانا کتنا عجیب ہے؟ مجھے لگتا ہے اس دن انہوں نے سن ہی لیا ہوگا۔ سن بھی لیا تو کیا ہو گیا اس میں؟ پاگل ہو گئے ہو؟ رپورٹ کروا لی تو؟ کیا رپورٹ کروائیں گے؟ ہم نے ابھی مختار کو مارا تھوڑی ہے، ہاں ضرورت پڑی تو مار دیں گے۔ ایسا نہیں بولا کرو اس کے بارے میں۔ تمہیں بڑا برا لگتا ہے جب میں مختار کو مارنے کی بات کرتا ہوں؟ دھوکہ تو نہیں دے رہی مجھے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں جواد؟ ہم کسی کو نہیں ماریں گے، بہت ہو گیا یہ سب۔ کیا بہت ہو گیا؟ کیا بہت ہو گیا؟ اور کس کو مارا ابھی ہم نے؟ میری نیت میں نا کھوٹ نظر آ رہی ہے مجھے۔ تم نہیں سمجھو گے۔ کیا نہیں سمجھو گا؟ اور جو میں سمجھ رہا ہوں تم بھی وہی سمجھ لو پھر، سائن کرواؤ جا کے۔ ہاں کیا ہوا، اما کا پتا چلا؟ آپ اس طرح اچانک؟ ماں کا کچھ پتا چلا؟ نہیں، پورے محلے میں معلوم کیا ہے میں نے۔ محلے میں؟ پولیس کے پاس کیوں نہیں گئی تم؟ ارے کیا ہوا ہے شمائلہ، میرے آنے پہ تمہیں اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں ایسا تو کچھ۔ نلکا میں نے ٹھیک کر دیا ہے۔ ارے مختار بھائی، میں جلوں سرخ چاندنی